हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको हीरो गैप मूड ऑन कैरेक्टर शिवाय के बैकग्राउंड म्यूजिक का ट्यूटोरियल इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका कवर मैंने कुछ दिन पहले अपलोड किया था। तो मैंने उसे कैसे प्ले किया था वो सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इसके लिए हम सबसे पहले आएंगे मल्टी ट्रैक सिंथ में और यहाँ पर न्यू सॉन्ग पर क्लिक करेंगे। तो आपको सिग्नेचर, मेजर और बीपीएम सेलेक्ट करना है। सिग्नेचर आपको वही रहने देना है, मेजर आपको सिलेक्ट करना है 50, BPM सेलेक्ट करना है 120 और सिंपली यहाँ से ओके कर देना है। तो इस म्यूजिक में तीन पार्ट्स है, जिसमें से पहला है वाइब्रेशन पार्ट और उसके लिए यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में आएंगे और प्लगइन में लो स्ट्रिंग को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑक्टेव में आएंगे यहाँ पर और A2 शार्प की को प्रेस करेंगे और इसे रिकॉर्ड करेंगे पूरे म्यूजिक के एंड तक। तो अब चलते हैं इस म्यूजिक के अगले पार्ट की तरफ, जो कि है ड्रम पार्ट और उसके लिए यहाँ पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, ड्रम में आएंगे और डांस ड्रम को सिलेक्ट करेंगे और इसे कुछ इस प्रकार से बजाएंगे। ओके, फिर आपको उसी तरह से रिकॉर्ड करना है जिस तरह से आपने पिछला रिकॉर्ड किया है। तो अब चलते हैं इस म्यूजिक के अंतिम पार्ट की तरफ, जो कि इसका मेन पार्ट और जो कि कुछ इस प्रकार से है। तो इसके लिए फिर यहां पर हम प्लस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में आएंगे और यहां पर तीन प्लगइन को एक साथ बजाना है। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर सॉटूथ बजाते हैं, इसे आपको बजाकर रिकॉर्ड करना है ड्रम के साथ साथ। ओके, तो ये तो हो गया सिर्फ एक प्लगइन से। अब हमें इसे तीन प्लगइन को एक साथ बजाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसी से रिकॉर्ड कर लेंगे, सॉटूथ से ही तीन बार इसे रिकॉर्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा और उसके बाद यहाँ पर इसे कट करके यहाँ से हटा देंगे और यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ से इसका प्लगइन चेंज करना है, यहाँ पर इसे प्लगइन में हम यहाँ पर इसे रख देंगे बैक पाइप को और इसे रख देंगे कैंडी बी को। इसमें से जो बैक पाइप है उसका ऑक्टेव हम चेंज कर देंगे और इसका भी ऑक्टेव हम चेंज कर देंगे। और अब जब आप इसे प्ले करेंगे तो तीनों एक साथ बजेंगे। तो ये था इस म्यूजिक को बनाने का पूरा प्रोसेस। आई होप आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस घंटी बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।